अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक xpacademy.com, जहां पर आप स्टेप बाय स्टेप्स ऑटो कैट उर्दू में सीख रहे हैं। स्टूडेंट्स, मुझे पूरा यकीन है पिछले 3 से 4 लेसन के अंदर आपने बहुत कुछ नई चीज़ें सीखी होंगी, स्पेशली मैप्स को क्रिएट करने की ट्रिक्स आपने सीखे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज के लेसन में मैं मैप्स के ऊपर कुछ खास चीजों के ऊपर बातचीत करना चाहूंगा। तो आए स्टार्ट करते हैं अपना लेसन। मैप्स को मैंने ओपन किया हुआ है ऑलरेडी आपके लिए। तो स्टूडेंट्स, आज के लेसन में हम इस मैप्स के ऊपर वर्क तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन कुछ चीजें देखेंगे, क्योंकि मेरे लिए मुमकिन नहीं है। मैं स्टूडेंट्स हमेशा आपको हर लेसन में यही कहता हूँ, मेरे लिए पॉसिबल नहीं है मैं आपके लिए 50, 60, 70 मैप्स के ऊपर काम करूं, लेकिन मैं कुछ कोशिश कर रहा हूँ, अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं कुछ ज्यादा से ज्यादा नॉलेज दे सकूँ मैप्स के बारे में। तो हाय स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कुछ इस मैप्स के बारे में। तो देखिए स्टूडेंट्स, मेरे पास एक मैप है। अब इसके अंदर कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले ये चीज, अगर आप इधर आ जाए, आपके पास यहां पर कुछ डॉटेड लाइन आ रही है। अब ये आपके पास जो डॉटेड लाइन है, देखें, ये मुसलसल सीरीज से चलती हुई आगे की तरफ निकलती हुई एक मेन जगह पर आ गिरती है। अब बेसिकली ये क्या चीज है, वापस जरा गौर से देखिएगा स्टूडेंट्स, ये कहां से आ रही है, जहां से मेरा बाथरूम स्टार्ट हो रहा है, और ये मेरे पास MH यानी कि मेन हॉल है। मेन हॉल आपके पास जो आपका घर का जो एक्स्ट्रा पानी होता है, मींस के जो गदला पानी होगा, या वो पानी जो यूज के काबिल ना हो, वॉशरूम वगैरह का, किचन वगैरह का, उसको आपने एक जगह पे जाकर गिराना है। अब जहरी सी बात, आप उसको अपने घर की दीवार से बाहर तो नहीं फेंक सकते हैं, उसको एक खास जगह पर उठाकर आपको लाना होगा। तो जब स्टूडेंट हम अपने मैप को डिजाइन करेंगे, हमें कोशिश करनी है हमें इस सिस्टम को भी क्रिएट करें। अब देखें, मेरे पास ये मेरा वॉशरूम आ रहा, बाथरूम आ रहा है, मेरे पास मेरी लॉन्ड्री आ रही है, किचन आ रहा है, अगेन मेरे पास बाथ आ रहा है। तो चलते हैं, मिड पे कोई भी आपके पास बाथ वगैरह नहीं होता। इसी तरह से इधर आ जाए, आपके पास इधर एक और बाथ आ रहा है। अब इनके बाहर से देखिए, मैंने ये लाइनें निकाली हुई हैं। ये बेसिकली जो लाइनें आपके पास आ रही हैं, ये आपके पास सीधा 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 एस टैंक के ऊपर आ जाती हैं, यानी कि वो जगह जहां पर आपकी गंदा पानी, गदला पानी गिरने की जगह होगी। अब जरा फिर से देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने क्या किया हुआ है, मैंने तमाम पाइपिंग सिस्टम को बाहर बाहर से लेकर आ रहा हूं मैं। देखें, बाहर से क्या मराद है, अब ये जो मेरा मैप है, इसके अंदर से कहीं भी पाइपिंग नहीं जा रही है। देखें, आप चारों तरफ देख सकते हैं, इसके साथ चारों तरफ से कहीं भी अंदर की जानों से पाइपिंग सिस्टम नहीं है। ऐसा इसलिए है, शायद के कल इनमें ब्लॉकिंग आ जाए। तो जब ब्लॉकिंग आ गई, क्या आप फर्श को तोड़कर इसको ठीक करोगे? आपको मालूम ही नहीं होगा आपके पास ये किधर जा रहा है। तो इसलिए इसको हमेशा आपके पास जो आपकी वॉल्स होती है उनके साइड साइड से लेकर जाना पड़ता है आपको। उसके बाद देखें, मैं हर 10 फिट्स बाद, 12 फिट्स बाद, थोड़े थोड़े फासले के बाद मैंने मेन हॉल्स क्रिएट किए हैं। अब ऐसा इसलिए होता है स्टूडेंट्स, अगर आप बहुत बड़ी लाइन रख दोगे, यानी कि आपने एक पाइप यहां से एंड तक आपने इसको ड्रॉ कर दिया, अब ऐसा पॉसिबल है शायद कल को यहां पर ब्लॉकेज आ जाए, तो फिर आप उसको कैसे खोल पाओगे, कैसे उसको आप ओपन कर पाओगे? तो उसके लिए तो आपको तमाम सिस्टम को दोबारा से उखाड़ना होगा। तो इसलिए आप इसको मेन हॉल शुरू में बना दें, तो अगर आपके पास प्रॉब्लम आएगी तो मेन हॉल से आपको पता चल जाएगा आपके पास पानी कहां पर ज्यादा जमा हुआ है। तो उस जगह पर आपके पास लीकेज पॉइंट होगा, ब्लॉकेज पॉइंट होगा आपका। तो आप मेरा मतलब समझ गए होंगे स्टूडेंट्स। इसी तरह से देखिए, मैंने इसको इस तरह से भी लाते हुए एक जगह पर डाल दिया है। इसके बाद अब अगर आप एक और चीज को देखें इस मैप्स के अंदर, आपके पास कॉर्नर्स में ये कुछ डॉटेड 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 शेप्स नजर आ रही हैं। देखें, तकरीबन तमाम कॉर्नर्स में ये आपको दिखाई देंगे, तकरीबन तकरीबन बीच में एक दो कॉर्नर नहीं भी है, लेकिन वो डिजाइन के मुताबिक है। देखें, अब ये क्या चीज है बेसिकली, बेसिकली स्टूडेंट्स, अब बाद जगह पर हम लोग मैप्स जब बनाते हैं ज्यादा मजबूती के लिए, घर की ज्यादा पायदारी के लिए, आपको उनके अंदर पिलर छोड़ना होता है।
अब ये जो आपके पास मार्क है ये आपके पास पिलर को शो करेगा, यानी कि आपके कॉलम्स और बीम को शो करेगा ये। अब ये है क्या चीज, ये मैंने हैच लगाई हुई है, अगर मैं इसको सिलेक्ट करके डिलीट कर दूं, देखिए ये खत्म हो चुकी है। और ये क्या चीज थी, ये मेरे पास सिंपल लाइनें थी, देखिए मैंने इनको खत्म कर दिया है लाइनों को। अब ये सारा इधर आगे तक प्रोसेस है, लेकिन मैं जस्ट आपको यहां पे एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं इस एक जगह पे, तो वही चीज है हर जगह पर। आप ये लाइन इधर लगा लें, वापस लाइन इधर इधर लगाएं, इस लाइन को इधर लगा लें, ये आपके पास 9x9 का एक पिलर बन जाए। अब हैच लगाएं, हैच के लिए आपको एच एंटर कर देना होता है कीबोर्ड से, नहीं तो आप क्लिक कर दें हैच के पर। मैंने इसको क्लिक किया, आप इसको पिक पॉइंट दे दें, मैंने इसको पिक पॉइंट इसके अंदर क्लिक कर देना है, अंदर क्लिक करेंगे तो उसको आप पिक पॉइंट दे देंगे, एंटर कर दें। अब आप हैच ढूंढें, तो इस केस में जो हैच यूज की जाती है स्टूडेंट्स वो है ARSAND, इसके पर आ जाए, ओके कर दें। और उसका स्केल आप 2, 3, लेकिन ये रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक है, मैंने आपको पिछले लेसन में इसके ऊपर डिटेल्स बताई थी जब हम अपनी प्रैक्टिस कर रहे थे। अब आप इसे प्रीव्यू करें तो देखिए स्टूडेंट्स ये हैच उस जगह पर रिप्लाई आपकी हो चुकी है। इसी तरह से ये तमाम हैच आपके पास इधर भी है, इधर भी होनी चाहिए थी, सो ऑन, यहां पर भी है, यहां पर भी है, ये तमाम यही मेथड आपके पास आगे प्रोसेस होकर आगे आ रहा है। इसके बाद इस मैप के अंदर एक और नई चीज आ रही है, पिछले लेसन में हमने देखा था हम कोई भी राउंड शेप कैसे बनाते हैं, इस लेसन में मैं आपको बताऊंगा आपके पास कोई भी ये जो कर्व शेप आती है यानी कि शैम्फर शेप, ये आप कैसे क्रिएट करते हो, तो मैं इस चीज के ऊपर बना कर दूंगा आपको दोबारा से। देखिए स्टूडेंट्स इसको मैं डिलीट कर देता हूं, तमाम चीजों को डिलीट कर देने के बाद इनको वापस में आपस में मिला देता हूं, मैं फ्रेट लगा देता हूं 0, 0 का। अब पहले ये शेप कुछ इस तरह की थी, अब इसको मैं वापस ये कट्स पॉइंट्स बनाने जा रहा हूं, तो इसके लिए आप यूज करोगे शैम्फर, CHA शॉर्टकट है, नहीं तो मॉडिफाइड के अंदर आ जाए, सेकंड लास्ट ऑप्शन है हमारी फिलेट के बिल्कुल ऊपर, शैम्फर, इसके ऊपर क्लिक करें। कहता है डिस्टेंस डिफाइन करो, आप डी एंटर कर दें, मैं कहता हूं 1 और अगेन 1, यानी कि मैंने इसको पहले भी 1 फिट्स दे दिया और दूसरे को भी 1 फिट्स दे दिया। अब पहला क्लिक मेरा इधर होगा, दूसरा क्लिक मेरा इधर होगा, मुझको पहले क्लिक पे भी 1 माइनस करना है, दूसरे क्लिक पे भी 1 माइनस करना है, लाइन में से एक और ये 2 क्लिक। देखें आपके पास ये शेप क्रिएट हो चुकी है। अब आप इसको ऑफसेट देंगे स्टूडेंट्स 9 का ऑफसेट आगे की जानब फेंक दें और एक्सटेंड कर देंगे इन लाइनों को इस तरफ और ईएक्स इस तरफ एक्सटेंड, TR ट्रिम दोनों तरफ, और अगेन आप इन लाइनों को आपस में मिला दें, ये देखें, नहीं तो आप इनको 3-3 का ऑफसेट्स भी दे सकते हैं, कंट्रोल एस कर दें तो आपके पास ये शैम्फर क्रिएट हो चुका है। लेकिन ये तो आपके पास उस सिचुएशन में होगा जब आप एक स्मॉल जगह पे बना रहे इस चीज को, यहाँ पे आपके पास ये स्टेयर्स थी आपकी, आपने इधर इसको फुल कॉर्नर्स विंडोज दे दी है, आपके पास ये शेप ऐसे बनकर आ रही है। लेकिन जब आपके पास इस तरह की एक शेप आएगी तो इसको आप कैसे क्रिएट पाओगे इस चीज को, तो आई एम इसको दोबारा से डिलीट कर देता हूँ और इसको मैं पहले वाली हालत में ले आता हूँ, फ्लेट लगाता हूँ 0 का और अगेन मैं इधर फ्लेट लगाता हूँ स्टूडेंट्स अपने पास 0 का, कंट्रोल एस कर दें। इसके लिए क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अगेन आप शैम्फर का यूज करेंगे, इस वक्त तो मैं शॉर्टकट लगाऊंगा CHA D डिस्टेंस, मैं से कहता हूं मुझे चाहिए 2 फिट्स एंड 6 इंच का, मैं 2.5 फिट्स ले लेता हूं, अगेन 2 फिट्स एंड 6 इंच। अब 2 फिट 6 इंच को आप 3-0 भी लिख सकते हो क्योंकि 24 इंच इज इक्वल टू 2 फिट्स और 6 इंच। अब आप एक पॉइंट इसे दे दें और दूसरा पॉइंट आप इसे दे दें, देखें मेरे पास परफेक्ट पॉइंट बन गया। फिर आप इसको ऑफसेट दे देंगे 9 का और से ऑफसेट्स 9 आगे की जानब दे देंगे, इसे एक्सटेंड कर दें आप इस तरफ और इस तरफ, ट्रिम कर देंगे आप इनको अपने पास इस तरह से, मैंने डिलीट कर देता हूँ, मेरे पास फिर मैं लाइन ऑफसेट देता हूँ 3-3 का 3 और ये 3 कंट्रोल एस। अब ये लाइन आपस में मिली हुई नहीं है तो फिर लगाएं, लेकिन रेडियस का 0 का होना चाहिए और मोर ट्रिम होनी चाहिए। अब आप एक क्लिक करें और ये दूसरा क्लिक करें, फिर एक क्लिक करें, फिर दूसरा क्लिक करें, इसी तरह से 1, 2, 1, 2 कंट्रोल एस कर दें। देखिए स्टूडेंट्स आपके पास ये कट्स पॉइंट्स भी इधर क्रिएट हो चुका है। अब इसी तरह से स्टूडेंट्स मैं आपको ये पॉइंट क्रिएट करना चाहता हूं, चलें अगर हम यही बनाएं तो कैसे बनाएंगे हम, आप यहां पर एक लाइन उठा लें, इसे ऑफसेट दे देंगे, आई जनब ये 2.5 फिट्स का हो सकता है स्टूडेंट्स, 3 फिट्स का हो सकता है, 1.5 फिट्स का हो सकता है, मुख्तलिफ इसकी रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक आप इसे दे दें, तो इस सिचुएशन में से मैं 18 इंच दे देता हूँ ऑफसेट्स, 18 इंच 1 फिट और 6 इंच की वैल्यू में से देता हूँ। अब आप एक लाइन उठाओगे, आर्क उठाओगे सॉरी, इसके एंड से इसके मिड तक और अगेन इसके इधर एंड पे आ जाए, तो देखें आपके पास ये शेप इधर क्रिएट हो चुकी है।
कंट्रोल एस कर दें, आपने इसको ये भी बना डाला। इसी तरह से स्टूडेंट्स इस मैप्स में और जो नई चीज आपके पास आ रही है वो आपके पास देखें, ये कुछ आपका फर्नीचर आपको नजर आ रहा है यहाँ पे। अब ये जो फर्नीचर है बेसिकली ये हमारे पास हमारे ब्लॉक्स हैं। मैंने आपको ब्लॉक के लेसन में बताया था, ब्लॉक आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है जो आप ऑटोकैड के अंदर यूज करते हो। जब आप ब्लॉक को यूज करोगे वो आपके पास इंसर्ट ब्लॉक के अंदर आ जाता है यहाँ पे, लेकिन ये ब्लॉक बनाने के बाद आपके पास इधर आता है। देखें जैसे जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो मेरे पास कुछ ब्लॉक्स मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहूंगा ये ब्लॉक आपके पास कहाँ से आएंगे, बने बनाए जो आपके पास ब्लॉक होते हैं। तो इसके लिए आपको जाना होता है ब्लॉक लाइब्रेरी में जाना होगा। उसके लिए आप कहाँ से जाएंगे, आप स्टूडेंट्स मॉडिफाइड टूल बार के अंदर आ जाए, सॉरी फॉर्मेट टूल बार के स्टैंडर्ड टूल बार के ऊपर आ जाए, बाजू का भूल जाता है बंदा। तो यहाँ पे आपके पास है डिजाइन सेंटर, आप डिजाइन सेंटर के ऊपर क्लिक कर देंगे तो आपके पास ये ओपन हो जाएगा, नहीं तो कंट्रोल प्लस टू प्रेस कर दें। तो जैसे मैंने डिजाइन सेंटर के ऊपर क्लिक किया, इंशाल्लाह आगे जाके मैं आपको डिटेल से बताऊंगा डिजाइन सेंटर क्या चीज है। तो आपके पास यहाँ डिजाइन सेंटर के अंदर आप आ चुके हैं। अब आप यहाँ पे ढूंढेंगे हाउस स्पेस एंड डिजाइनिंग, आप इधर आ जाएं, ये आपके पास प्लानिंग में भी है डिजाइनिंग में भी है। आप ब्लॉक्स के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आके डबल क्लिक कर दें। जैसे मैंने ब्लॉक्स के ऊपर डबल क्लिक किया मेरे पास कुछ इधर डिजाइन बने हुए आ चुके हैं। इसी तरह से अगर आपको फर्नीचर चाहिए आप स्पेसिंग में आ जाएं, ब्लॉक्स के अंदर आ जाएं, तो देखिए स्टूडेंट्स मेरे पास ये यहाँ पर फर्नीचर बने हुआ आ चुका है। मैं यहाँ से प्लांट उठाना चाहूंगा, आप इसको उठाकर बाहर लेकर आ सकते हो ड्रैग करके, आप इसको डबल क्लिक कर सकते हो। मैंने एक शेप उठा ली अपने पास, अब फर्स्ट करें मेरे पास ये डिलीट हो चुका है, लेकिन मुझे यहाँ पे एक प्लांट लगाना है। तो आप इंसर्ट ब्लॉक के अंदर आ जाएंगे, जब आप किसी ब्लॉक को कॉल करते हो तो आपके पास इंसर्ट ब्लॉक के अंदर आ जाता है। तो मैंने प्लांट ले लिया, ओके कर दें इसे, और जिस एरिया पे आप इसे एडजस्टमेंट करना चाहते हैं वहां पे जाके आप इसे क्लिक कर देंगे तो आपके पास कंट्रोल एस कर दें तो ये आपके पास आ गया। देखें अब स्टूडेंट्स आप सोच रहे होंगे यहाँ पर तो मेरे पास स्टाइलिश फर्नीचर है, बेसिकली ये आपके पास एक लाइब्रेरी होती है ब्लॉक्स वगैरह की जो कि हमारे तैयार करदा सीडी के अंदर अवेलेबल है। अगर आपको ये लाइब्रेरी ये ब्लॉक्स या मैप्स वगैरह चाहिए सॉफ्ट कॉपी में तो 03145014268 पर रब्ता करें आप, तो मैं आपको डिटेल्स बताऊंगा इसके बारे में। अच्छा मजीद स्टूडेंट्स इसके अंदर कोई ऐसी चीज नहीं आ रही है, तो इस लेसन में बताने का मकसद जो मेरा था, अब जाहिर सी बात है मैं पूरा मैप सिर्फ इन दो तीन चीजों के लिए नहीं क्रिएट कर सकता। देखिए स्टूडेंट्स मैंने आपको बता दिया अगर आपके पास ये शेप्स आ रही है ब्लॉक्स आप कैसे बनाएंगे, आपके पास जो मेन होल्स वगैरह होते हैं, आपका जो वाटरिंग सिस्टम होता है सीरीज सिस्टम जिसे हम कहते हैं उसको आप कैसे निकालोगे, आपके पास जो कर्व आएंगे उनको आप कैसे बनाओगे, इस तरह से इनके अंदर ऑफसेट्स मैंने आपको देने का तरीका बता दिया है, तमाम मेथड मैंने आपको इसमें बता दिया है, और मेरे ख्याल में इसमें ऐसी कोई भी नई चीज़ नहीं है। तो स्टूडेंट्स प्लीज़ प्रैक्टिस करते रहें, हमेशा की तरह आखिर में मैं आपसे फिर यही कहूँगा मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, मैं यहाँ पे 3, 4, 5 मैप्स ऊपर ज़्यादा आपको करके दिखा यहाँ पे प्रैक्टिस करके दूँ, लेकिन अगर आपको स्टूडेंट्स ये मैप चाहिए तो प्लीज़ आप किसी भी वक्त इस नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं 03145014268 पर। हमने एक आपके लिए सीडी तैयार की है जिसमें मेरे पास 150 से ज़ायद मैप की कलेक्शन मौजूद है जो कि ऑटो कैट्स फॉर्मेट में है, और उसके अलावा इसके अंदर तमाम सेक्शन एलिवेशन फाउंडेशंस और ब्लॉक्स वगैरह तमाम हमने रख दिए हैं। जस्ट आप कॉल करें और यही सीडी आप हासिल कर सकते हैं हमसे। इंशाल्लाह स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेसन में फिर मैं हाजिर होऊंगा एक नई चीज़ के साथ नए टॉपिक के साथ। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।